हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और होम स्टाइल कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नॉनवेज की रेसिपी देखने वाले जो हम बनाएंगे पापलेट फिश से। तो आज हम पापलेट फिश से ग्रीन करी बनाएंगे। तो इसमें मैं कच्ची कैरी का भी यूज करने वाली हूँ, तो आप इसे पापलेट और कच्ची कैरी का सालन भी कह सकते हो। तो चलिए आज की हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पापलेट फिश के पीसेस लिए हैं, उसको मैंने अच्छे से धो दिया था। तो इसको हम हल्का सा मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, थोड़ा सा नमक और एक चम्मच नींबू का रस लिया है मैंने। और अब फिश को मैं अच्छे से मैरिनेट कर देती हूँ और इसको साइड में रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो हम ग्रीन करी बनाने वाले हैं उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है, ये फ्रेश नारियल लिया है मैंने एक कटोरी, हरा फ्रेश धनिया, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कैरी ली है। तो इसमें हम रेड चिली पाउडर नहीं डालने वाले, इसके लिए मिर्च जो आप लेंगे वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को मैं मिक्सी में एकदम फाइन इसका पेस्ट बना देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये एकदम फाइन पेस्ट बना के तैयार की है और आप देख सकते हो इसका कलर भी, हमने जो ग्रीन धनिया लिया था उसके वजह से एकदम ग्रीन हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने मसाला तैयार किया है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप फिश ज़्यादा बनाने वाले हो या तो फिर आपको अगर करी ठीक चाहिए तो आप ये मसाला ज़्यादा बना दीजिए। तो अब हम फिश करी बना लेते हैं। तो फिश करी बनाने के लिए कढ़ाई में मैं 2 से 3 टेबलस्पून तेल डाल दूंगी। तो जैसे ही अपना तेल गर्म हो जाएगा मैं इसमें डालूंगी हींग, 1/4 टीस्पून मैंने हींग डाला है। और अब मैं इसमें डालूंगी 8 से 10 करी पत्ते और अब जाएगा इसमें हमने जो मसाला तैयार करके रखा था वो। ये मसाले को हमें तेल में अच्छे से फ्राई करके लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मसाला अपना अच्छे से पक गया है क्योंकि मसाले ने तेल छोड़ना स्टार्ट किया है। और आप देख सकते हो ये तेल का भी कलर कितना एकदम ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। तो अब हम इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं। तो मसालों में सबसे पहले मैं डालूँगी 1 चुटकी हल्दी पाउडर। ज़्यादा हल्दी पाउडर नहीं हम डालेंगे इसमें क्योंकि हमें ग्रीन कलर रखना है इसका। और अब मैं इसमें डालूंगी ये 1/2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच गरम मसाला। और अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये फिश करी में जो भी तीखापन आएगा वो आप जो हरी मिर्च इसमें डालेंगे उससे आएगा, तो वो हिसाब से आप इसमें हरी मिर्च डाल दीजिए। और मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी गरम पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसमें कर दीजिए क्योंकि आपको जैसे ग्रेवी चाहिए वैसे आप पानी डाल दीजिए इसमें। और अब पानी डालने के बाद एक उबाल आने देते हैं पहले इसको। और फ्रेंड्स, आप देखिए ये विदाउट कलर इसको कितना बढ़िया एकदम कलर आया है। तो यहाँ पर ये अपने ग्रेवी को उबाल आने लगा है, तो अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने फिश मैरिनेट करके रखे थे वो। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, क्योंकि हमने नमक इसमें अभी तक नहीं डाला है, सिर्फ जो फिश हमने मैरिनेट की उसमें ही नमक डाला था हमने, तो वो हिसाब से आप नमक डाल दीजिए। और साथ साथ मैं इसमें डालने वाली हूँ, यहाँ पे मैंने कच्चे कैरी के 4-5 ऐसे स्लाइस करके रखे थे वो, क्योंकि हमने इसमें खट्टापन के लिए दूसरा कुछ भी नहीं डाला है, थोड़े से हमने कच्चे कैरी के पीसेस ही मसाले में डाले थे, तो ये कैरी भी हमारे करी को खट्टापन देगी। और अब हमें स्लो गैस पे ढक के इसे अच्छे से पकने देना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे ये अपनी फिश करी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो मुझे ये ऐसे पतली ही रखनी थी, तो अगर आपको और इससे ज़्यादा गाढ़ी करनी है तो थोड़ी देर और गैस पे रख दीजिए और गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए। तो अब मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ और अब हम इसकी प्लेटिंग कर देते हैं।
तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे अपनी ग्रीन फिश करी बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हो इसके ऊपर कितनी एकदम ग्रीन कलर की तरी भी आ गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये अपनी पापलेट फिश ग्रीन करी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आप ये डिश एक बार जरूर बना के देखिए और ये चपाती फुलके के साथ तो अच्छी लगती ही है और राइस के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरे रेसिपीज अच्छी लगती होगी तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि मैं आपके लिए ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आऊँ। तो चलिए अब हम फिर मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।